मुझे लगता है कि इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था, और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है, और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको प्राप्त हो। सर, डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर एनसी ने जो है कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं कि जिस तरह से कुछ सीटों को जोड़ा गया, आप किस तरह देखते हैं? उनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी, पहले भी इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की, और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा।